लड़की को नींद आ रहा है ना ऑलिव ऑब्लिव। लक्की नीनू नीनू आ रहा है, लक्की को नीनू नीनू आ रहा है, रिफो अरे वो लक्की को नींद आ रहा है ना ऑलिव ऑब्लिव। लक्की तो इसे देख के आप लोग ये मत समझना कि ये मेरी डॉगी है, तो ये किसी और की डॉगी है जो थोड़ी बीमार थी तो यहाँ आई है इलाज के लिए। तो अभी इसे मैंने खिला दिया है, बोन इसका दे दिया है और ये अभी लेटी हुई है। और यहाँ पे बिग बास्केट से कुछ सामान वगैरह आया है, ये है द परफेक्ट ग्लू ट्रैप, तो ये रैट ट्रैप है। मेरे यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए मैंने ये मंगा लिया है, एक्स्ट्रा मंगा के मैं हमेशा रख लेती हूँ ताकि यूज में आ सके। और इधर बिग बास्केट से कुछ दाल वगैरह मैंने मंगवाया था, ये सफोला एक्टिव दलिया, तो ये है दलिया। और ये है आज का मेरे रूम का पूरा लुक, तो मेरा रूम जो है आज हाँ पूरा कबाड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो गद्दा था वो गया है, न्यू चादर उसका चेंज होगा धुलने के बाद, तो वो अभी चला गया है यहाँ से। तो ये आप लोग देख सकते हो बेड का हाल। और यहाँ माही ले रही है अपने बचपन का स्कूल ग्रुप के फोटो का सेल्फी, तो ये आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे माही कहाँ है आप लोग बताना, कहीं इस साइड में हो जहाँ गई। हाँ तो इस साइड में गर्ल्स साइड में यहाँ पे आप लोग देखो और बताओ माही कहाँ। तो सेल्फी ले रही थी, सिक्स में तो कोई फोटो नहीं ले पाए थे क्योंकि हम लोग का वो लॉकडाउन लग गया था। आई थिंक इस साल 7 में ले पाए, कौन जाने। ओके मेरी सो गाइस, तो यहाँ से मेरी दिवाली की साफ सफाई जो है शुरू होती है। तो गद्दा चला गया धुनने के लिए, तो मैं क्या करूँगी ये बेड का ये सब हटा के और बेड को अच्छे से क्लीन कर लूँगी अंदर से, और क्लीन करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आज से समझो मेरे दिवाली का साफ सफाई शुरू हो गया। और यहाँ का जितना भी ओढ़ने वाला सारा कंफर्टर वगैरह था वो सब मैंने माही के रूम में ला के रख दिया है। मेरे रूम का जितना भी कंफर्टर तकिया वगैरह सारा जो था यहाँ पे अभी माही का रूम भी पूरा मैसी है, बाद में सबको ठीक करूँगी। सो गाइज, तो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो तो स्टार्ट हो रहा है काम 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 से। तो सुबह ही मेरा गद्दा जो है चला गया बनने को और वो दोपहर तक आई थिंक आ जाना चाहिए। तो उस बीच मैं क्या करूँगी, अपने रूम का सारा क्लीनिंग कर लूँगी। बेड के नीचे भी बहुत सारे डस्ट रहते हैं और बेड भारी होने के कारण हम लोग उसका रोज़ सफाई नहीं कर पाते। तो दिवाली ही ऐसा मौका होता है जिसमें हम बेड ओड हर जगह कोने कोने की अच्छी तरीके से सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और सुबह का भी यहाँ पे टाइम आपको दिख रहा होगा, 9 बजने वाला है, बज ही गया, 5 मिनट बाकी है। तो अभी 9 बजने वाला है और घर में अभी खाना बन रहा है। और ये है हमारे घर की न्यू मेहमान जो आई है, उसका तबीयत ख़राब है थोड़ा, तो वो इलाज के लिए आई हुई है, तो अभी यही है, जब वो ठीक हो जाएगी तो चली जाएगी। तो बस हाय गाइस, तो अभी का अपडेट ये है कि घर में पूरा काम हो रहा है, अभी हम लोग बेड का सफाई कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, तो फाइनली मैंने पूरा बेड वगैरह सब क्लीन कर लिया है खोल के, और बेड के नीचे से भी क्लीन हो गया है, विंडो भी सारा मैंने क्लीन कर लिया है सब हटा के। तो चलिए, ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें क्लीन हो गई है, अभी इधर का सामान उधर पड़ा हुआ है और उधर का सामान उधर। तो अभी शाम को मेरा तोशक जो है बन के आ जाएगा, तो फिर मैं यहाँ लगा दूँगी। और लास्ट काम मेरा रहेगा घर को डेकोरेट करना, तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मैं अपने रूम से। तो सारे पर्दों को हटा दूँगी तब मेरा पूरा अच्छा सा रूम एकदम डेकोरेट हो जाएगा, फिर मैं आपको एक रूम टूर दूँगी। ओके, और मैं इधर काम कर रही थी और माही को लग गया था भूख, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ माही क्या बना रही है। मैं पास्ता बना रही हूँ, मेरे को भूख लग रहा था, है ना। हाँ, और अभी ये पास्ता का वो स्ट्यू है, इसको मैं अभी ठंडा कर रही हूँ। मैं इसको मिक्सचर में मिक्स करके इसका प्योरी बना लूँगी और फिर मैं उसमें पास्ता डाल दूँगा।
तो ये पास्ता रेसिपी मैं बना चुकी हूँ और मैंने माही को दिखाया भी था और माही को पता मैं कैसे बनाती हूँ। तो माही ने देखा मम्मा उधर बिजी है घर को क्लीन करने में, तो मैं खुद बना के खा लेती हूँ, इसलिए माही खुद बना रही है। तो बच्चों को कुछ कुछ छोटे छोटे काम हैं जो घर के देने चाहिए, बच्चों को खुद ही सारा काम नहीं करना चाहिए। इतना छोटा छोटा काम बच्चे जब करते तो इससे उनको बहुत सारा सीखने को मिलता है। अगर मैं कभी बीमार वगैरह हो गई तो वो कम से कम छोटी छोटी भूख को तो भगा सकती है ना मैगी वगैरह बना के। सो इसलिए मैं माही को छोड़ देती हूँ, बनाने देती हूँ, लेकिन हाँ ध्यान के साथ थोड़ा सा गैस वगैरह किस तरीके से जलाना ये सब चीज़ देखते हुए फिर मैं माही को छोड़ देती हूँ बनाने के लिए। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ नहाने है। सो गाइस वो अभी अभी फूल बेचने वाला आया था तो मैंने लिया ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं अपने घर का अपने रूम का थीम जो है ब्लू कलर का रेड कलर का बनाने वाली हूँ, लेकिन रेड के साथ ये ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लगा ये गुच्छा। तो जब मैं लगाऊंगी इसे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे माही का हो गया है यमी यमी सा पास्ता रेडी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये रेस्टोरेंट की तरह एकदम लगता है खाने में, आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कैसे ये बनता है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है खाने में। तो अभी माही के पेट में जाने वाला है ये सारा। हे गाइस, तो अब हो गया है शाम का इवनिंग और मैं आपको मिल रही हूँ इवनिंग में। शाम को तो मैंने घर का क्लीनिंग भी कर ही लिया था और सब चीज़ों को अपने जगह पे रख दिया है, और यहाँ पे मैंने इस टेडी बियर को भींगे कपड़े से अच्छे से पूरा एकदम स्पॉन्ज किया था, पोछा था। तो अभी आप लोग देख सकते हो टेडी बियर का क्या हाल है, ये एकदम चमक चुका है। स्पॉन्ज कपड़े को गीले करके और मैंने पूरा रब कर दिया था, पूरे बॉडी पे पोंछ दिया था और पूरा क्लीन हो गया है। और माही अभी इसको कॉम्ब कर रही है, तो मैंने उसी वक्त कर दिया था दोपहर को ही, तो अभी शाम हो चुका है। तो माही इसको कॉम्ब कर रही है ताकि सेप में आ जाए इसका ये जो, क्योंकि ये ना बहुत इसका क्या कहते हैं टेडी बेयर सबका फर खराब हो जाता है। हाँ तो इस हाँ तो इसीलिए मैं माही को बोली कि इसके फर को कॉम्ब कर दो ताकि साइन आ जाए। फर को कॉम्ब करते ही ना फर में साइन आ जाता है। टेडी बेयर की भी क्लीनिंग हो चुकी है ना टेडी बेयर। हाँ तो हमारा टेडी बेयर भी क्लीन हो गया है और मेरा रेड थीम का मेरा रूम होने वाला है, तो ये पूरा मैच करेगा रेड थीम से, है ना। पता नहीं जब हाथ में कोई टॉय आता है ना ऑटोमेटिकली ये वाला मूड आ जाता है, ये मेला है। हाँ सो गाइस, तो चलिए अभी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अभी मेरा तोशक भी आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं आया, 7 बजने वाला, देखती हूँ तोशक आता है कि नहीं। तो फाइनली गद्दा आ चुका है और ये है कि पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है अंदर से प्लास्टिक लगा, तो इसे मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ तब मैं ऊपर से चादर लगाऊँ। लगा रही है कवर और अभी ये बन के आया है तो ये थोड़ा अभी दबेगा, अभी पूरा फूला फूला, इसलिए देख सकते हो आप लोग इतना गैप है। आज मैं बनाने वाली हूँ इडली, तो ये रवा इडली है, तो ये मिक्स रवा इडली है और ये फटाफट से बन जाता है। या तो आप चाहो तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बना लो या इवनिंग के स्नैक्स में बना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसे किस टाइम पे खाना। तो चलिए अभी फटाफट से मैं बनाती हूँ, तो आज मैं यही बनाऊंगी और यही देने वाली हूँ पापा को भी शाम के नाश्ते में और मैं भी खाऊंगी। तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें बराबर बराबर मात्रा में ये लेना है रवा मिक्स लेना है और उसके बाद हमें दही लेना है, खट्टा दही। तो सबसे पहले मैं इसे डालूंगी एक बाउल में, तो यहाँ पे मैंने भर के ले लिया है एक बाउल और इसका जो हम लगाते हैं वो सारा तड़का का आइटम इसमें मिक्स है। इसमें ये आप लोग देख सकते हो सरसों है, चने का दाल दिख रहा है, करी लिप्स दिख रहा है, तो ये सारा चीज़ मिक्स है, इसमें हमें कुछ भी मिक्स करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे मैंने ले लिया, तो अब हम डालेंगे इसमें दही। तो दही मैं अंदाजे से ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और अब दही के साथ मैं इसमें डालूंगी इससे नाप के पानी।
सो गाइस, दही के साथ साथ मैंने इसे हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया है, तो चलिए अभी मैं इसे डाल देती हूँ इसमें और इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने ज़्यादा दही का मात्रा नहीं रखा, आप चाहो तो सिर्फ दही के साथ ही इसे मिक्स कर सकते हो, मैंने ज़्यादा दही नहीं डाला, मैंने दही और पानी को बराबर मात्रा में मिक्स करके डाला है। मिक्स करके और इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है, तो अभी मैं इसे ढक के छोड़ देती हूँ 2-3 मिनट के लिए, वैसे उसमें 1 मिनट के लिए छोड़ने को लिखा है। चलिए मेरा ढक गया है, इसे मैं रखती हूँ साइड में। तो ये मैं बनाने वाली हूँ नारियल का चटनी, और उसमें क्या क्या यूज होगा वही मैं दिखा रही हूँ। लहसुन है, कड़ी पत्ता है, सूखी लाल मिर्च है, बादाम है, और ये है काला सरसों, मीन्स राई, इसे राई भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं बादाम को रोस्ट कर लूँगी, आप लोग देख सकते हो, इसे हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद इसे यूज करेंगे नारियल में। तो यहाँ पे है मेरा नारियल, ये आप लोग देख सकते हो, तो इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी इस तरीके के टुकड़े में। तो चलिए अभी मैं इसे कट करती हूँ और डालती हूँ मिक्सर में। तो जब तक मैं इसे नारियल को काटूंगी तब तक मेरा यहाँ पे बादाम जो है भुन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटू सा पैन चढ़ा दिया, पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद इसमें मैं डालूंगी मूंगफली। तो बादाम अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, आप चाहो तो छीले हुए बादाम का भी यूज कर सकते हो, मैंने इसे छीला नहीं है, मैं ऐसे ही इसको डाल के रोस्ट कर लेती हूँ, इसका कच्चापन जो है हमें खत्म करना है। तो यहाँ पे मेरा बादाम भी भुन चुका है, तो अब मैं इन सबको थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ। तो इसमें से कुछ जाएंगे इसमें और कुछ मैं रखूँगी तड़के के लिए। तो चलिए अभी मैं इन सबको रोस्ट करती हूँ, थोड़ा सा ऑयल इसमें और डालने वाली हूँ। अब मैं इन सबको रोस्ट कर लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं लहसुन डालूँगी। लहसुन जो है थोड़ा लाल हो जाएगा, तो मैं डालूँगी सूखी लाल मिर्च और राई। लहसुन सबसे पहले मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि लहसुन को लाल होने में टाइम लगता है, और बाकी सारी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी लाल हो जाती है, चटक जाती हैं, इसलिए मैंने लहसुन को पहले डाला है, वरना ये सारी चीज़ें अगर मैं पहले डालूंगी तो ये सब जल जाएंगे। यहाँ पे मेरा लहसुन जो है थोड़ा सा लाल हो गया, तो चलिए अब मैं इन सबको डालती हूँ। ना मैंने छोड़ दिया है तड़के के लिए और ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, तो चलिए अब इसमें मैं डालती हूँ नमक और इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे मेरा चटनी बनके रेडी है, तो चलिए अभी इसे सर्व करती हूँ और तड़का डालती हूँ। तो गाइस, तो यहाँ पे मेरी नारियल और बादाम की चटनी बनके रेडी है, और ये आप डोसा के साथ खाओ, इडली के साथ खाओ, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो, उत्तपम के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। चलिए अब मैं बनाती हूँ इडली। तो हमारा इडली अभी फूल चुका है, तो अभी मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल के इसे थिक पेस्ट बनाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा सूख गया है, तो अभी इसमें थोड़ा पानी जाएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे इडली का बैटर है रेडी, और ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक, ये आप लोग देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके का इडली का बैटर होना चाहिए। तो चलिए ये मेरा रेडी हो गया है, और इसे मैं बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव में। माइक्रोवेवल सेफ बाउल ले लिया है, तो अभी मैं इसे डालती हूँ गर्म होने के लिए, और ये है इसका ढक्कन, तो इसे मैं ऊपर से लगा दूँगी। सो गाइस, तो ये पानी मैंने ले लिया है, तो अभी मैं इसको डाल देती हूँ और
एक मिनट का मैं इसमें टाइमर लगा देती हूँ। एक मिनट में मेरा पानी गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें इडली डालूंगी। तो चलिए अभी इसे गर्म होने देते हैं और इधर इडली को रेडी कर लेते हैं। साथ ही साथ ढक्कन भी लगा देती हूँ। तो इस ढक्कन में जो है एक छोटा सा छेद है, यहाँ से स्टीम बाहर निकलता है। तो ये है माइक्रोवेवल सेफ इडली मेकर। तो चलिए अभी इसमें मैं हल्का सा ऑयल डाल देती हूँ सब में। और अभी ऑयल डाल दिया है सब में, अभी मैं सबको ब्रश कर देती हूँ ताकि तले में इडली जो है ना सटे। तो मैंने इडली डाल दिया है और अब मैं इसे हल्का इस तरीके से कर देती हूँ ताकि सारी इडली जो है अच्छे शेप में आ जाए। चलिए आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं इसे डालूंगी माइक्रोवेव में। सो गाइस, आपको भाप निकलता हुआ शायद दिख रहा हो, तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो अभी मैं इस पे डालने वाली हूँ इसमें। और अब हम इसे बंद कर देंगे। और 2 मिनट पे मैं टाइमर सेट करने वाली हूँ, तो 2 मिनट में मेरा इडली जो है बनके रेडी हो जाएगा। सो गाइस, तो मेरा इडली यहाँ पे रेडी हो गया। ये आप लोग देख सकते हो कितना फूला फूला है। तो अभी मैं थोड़ा इसे चेक कर लेती हूँ। तो चेक करने के लिए मैं यूज करूँगी इस टूथपिक का। तो अभी मैं इसमें इसे डालूंगी और निकालूंगी। तो ये देख सकते हो टूथपिक जो है एकदम साफ निकल के आया है, इसका मतलब हमारा इडली जो है रेडी हो चुका है। तो अभी मैं चम्मच से इसे निकालती हूँ। सो गाइस, तो ये आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छे से ये निकल के आया है। यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा क्लीन है। तो मेरा इडली जो है बनके रेडी हो गया। चटनी, और आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।